हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। कनीना में बीजेपी ने एक जनसभा आयोजित की जिनमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। जनसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में रहा हूं और अपने 40 सालों के राजनीतिक अनुभव से कह सकता हूं कि बीजेपी ही केवल ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है। हमारा देश केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है। हम आपसे देश की मजबूती के लिए वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता सीन करें, नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दें और कुल मिलाकर के 36 बिरादरी से हमने ये आह्वान किया है और जिस तरह का समर्थन हमको मिल रहा है आज के दिन, मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से दिल्ली के अंदर स्थापित होगी और यहाँ से हमारे जीते। 5 साल हमने काम किया है उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। जो हाईवेज बनाए हैं हमने, जो एम्स बनाई है अमेठी के अंदर, जो अनेक भर्तियां हुई हैं हरियाणा सरकार के माध्यम से, ये सब कुल मिलाकर के 5 साल के अंदर हमने वो काम करके दिखाया है जो पहले 20 साल के अंदर नहीं हुआ था।